एस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टर्म्स ग्रोथ रेट एनअल ग्रोथ रेट देर एर न इम्पॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड वैन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ और उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल का लफ्जी मतलब है इंतहाई तेज पॉपोलेशन ग्रोथ रेट इसको भी जो है वो देखा जाता है मैया किया जाता है आया किस जगह पर हो रही है कहाँ पर हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही लेट सी के एक्सपोनेशियल ग्रोथ रेट क्या होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इट इज़ अ स्पेसिफिक वे डेटा डाटा क्वान्टिटी में इंक्रीज ओवर टाइम ये एक स्पेसिफिक वे टू जानने का जो क्वांटिटी है वॉट एवर क्वान्टिटी एग्जिस्ट एनी वेयर इट मे इंक्रीज ओवर टाइम गिवन द सर्कमस्टांसिस इट इज़ अ पैटर्न ऑफ डाटा ये डेटा का डेटा का पैटर्न है जो कि शो करता है ग्रेटर इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम के पैसेज ऑफ टाइम के साथ ग्रेटर इंक्रीज हो सकता है हाउएवर एवर वेन रिसोर्स आर अनलिमिटेड जब इंसान के रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं लिमिटेड नहीं होते दैट टाइम इसकी शर्त ये है कि जब इंसान के रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं पॉपुलेशन एग्जिबिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब ही हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब हमारे यहाँ जो है वो अबंडस में हों अब इसके साथ साथ एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी जो है वो पाया जाता है जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को जो है वो हम देखते हैं अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ अ पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एज पॉपुलेशन साइज अप्रोचेस अ मैक्सिमम इंपोज्ड बाय द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी जब इस दुनिया की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो रही होती है जब रिसोर्सेज आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे होते हैं कम हो रहे होते हैं तो एक लॉजिस्टिक ग्रोथ भी जो है वो नजर आती है जो कि एक पॉपुलेशन पर टैप्टा ग्रोथ रेट है वो हमें छोटी होती नजर आती है एक्सप्लेन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो हम डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं ये जे शेप का बनाता है जबकि लॉजिस्टिक्स ग्रोथ रेट जो है वो एक एस शेप कर् जो है वो बनाता है आपका जे शेप कर् बनाता है और लॉजिस्टिक आपका जो है वो एस शेप आपका कर्व जो है वो बनाता है देखिए इसको मैं आपको आसान समान से समझाती हूँ कि लॉजिस्टिक खास तौर पे ग्रोथ रेट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कैसे हो देखें थ्योरी में अगर हम बात करें एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी जानदार जो है इट कैन टेक ओवर द अर्थ जस्ट बाय रिप्रोड्यूसिंग वो कैसे दुनिया पे कब्जा करेगा कैसे वो रिप्रोड्यूस होगा ना एक से दो दो से तीन तीन से चार होंगे फॉर इंस्टेंट अगर मिसाल करें इमेजिन कि हम स्टार्ट करते हैं दुनिया का विद अ पेयर ऑफ अ फीमेल एंड मेल रैबिट एक फीमेल और मेल रैबिट हमारे पास आते हैं अब ये जो रैबिट्स हैं इफ एंड डिसेंडेंट्स दे रिप्रोड्यूस एट टॉप स्पीड लाइक बनीस फॉर सेवन हंड्रेड सेवेंटी ईयर्स सात सौ सतर साल विदाउट एनी डेथ विदाउट एनी किसी मसले के अगर ये रैबिट्स जो हैं ये अपने बच्चे पैदा करते जाएँ तो ये इंटायर आपका स्टेट ऑफ रोड आयरलैंड ये दुनिया या हर जगह रैबिट्स के साथ भर जाए अगर कोई मसला ना आए इन रैबिट्स की नस्ल को एंड दैट इवन सो इम्प्रेसिव इफ यू यूज ई कोली बैक्टीरिया अगर इसकी मिसाल ले लें वी स्टार्ट विद जस्ट वन बैक्टीरियम एंड देन वी हैव इनफ बैक्टीरिया टू कवर द अर्थ अ वन हंड्रेड एंड वन फुट लेयर इन जस्ट थर्टी थ्री सिक्स थ्री आवर्स ये हमारी मिसाल होगी इतनी तेजी के साथ इतना बैक्टीरिया जो है वो हमें मिल जाएगा एंड यू हैव प्रॉबर नोटिस देयर इज नॉट लेकिन हमने नोटिस तो इस बात को किया है कि 101 सौ एक फुट लेयर ऑफ बैक्टीरिया ने भी कवरिंग दैंड एटलीस्ट नॉट हमें नहीं मिलती और ना ही हमें इतने ज्यादा रैबिट्स जो हैं वो दुनिया में मिलते हैं वाई द क्वेश्चन इज वाय ये ग्रोथ रेट कैसे पॉसिबल नहीं हुई इट इज़ बिकॉज देन डोंट वी सी डीट पॉपुलेशन गेटिंग एज बिग एज दे थेटिकली कुड इट इज़ बिकॉज रेबिट या दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड स्पेसिफिक रिसोर्सेज उन्हें स्पेसिफिक रिसोर्सेज स्पेसिफिक नीड्स की ज़रूरत होती है उन्हें खुराक चाहिए उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए उन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए उन्हें पानी चाहिए किस लिए इन ऑर्डर टू सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस अगर वो नहीं मिलेगा तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी वो डबल नहीं होंगे सो दीज रिसोर्सिज आर नॉट अनलिमिटेड एंड अ पॉपुलेशन कैन ओनली रीच अ असाइड डेट मैच द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन इट्स लोकल इन्वायरमेंट तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो समझने की जरूरत है कि ग्रोथ उसी सूरत पॉसिबल होती है जब एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं जो उस सर्टेन स्पीशी को उस सर्टन ऑर्गेनिजम को ग्रो करने में मदद देते हैं जहाँ पे हमें पॉपुलेशन की भी ग्रोथ नज़र आई उसकी भी यही वजह है जैसा कि देखें मैंने आपको एक मिसाल दी जब मैं आपको सोसाइटीज़ के ऊपर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको मिसाल दी कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ जो थी या हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ के अंदर बहुत से लोग अपने जवानी को नहीं देख सके चाइल्डहुड में वो यानी बचपन में उनकी डेथ जो है वो हो जाया करती थी उसकी बड़ी वजह क्या है उसकी बड़ी वजह ये है अनसूटेबल इन्वायरमेंट एंड नॉट हैविंग दोस इंग्रेडिएंट्स इन द इन्वायरमेंट जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है So population ecologists, they use a variety of mathematical methods to population dynamics, how population change in size and composition over time. Some of these models, they represent growth without environment constraint while other includes ceilings determined by the limited resources. Mathematical models of population, they can be used to accurately describe

ये जो है वो बड़े मददगार जो है वो साबित होते हैं अब देखिए बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट पॉपुलेशन सेंसिस जो है क्योंकि पॉसिबल नहीं होते फॉर एग्जाम्पल यू और जापान वगैरह में कहीं दस साल कहीं पाँच साल बाद सेंसेस किया जाता है इसी वजह से बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं दे क्रिएट एनुअल पॉपुलेशन एस्टिमेट बाई यूजिंग रिलेटेड ईयरली डाटा एंड बाई रिगार्डिंग द पॉपुलेशन सेंसेस डाटा एट द बेंच मार्क फिर वो यरली पॉपुलेशन डाटा जो है uh, उसको देखती हैं और वो uh, जो पॉपुलेशन सेंसेस होते हैं उसके डाटा को भी बेंच मार्क के तौर पे इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट करती हैं फर्दर मोर पॉपुलेशन फोरकास्ट दे हैव बीन परफॉर्म इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूज्ड टू अपटेन डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर मेनी इकोनॉमिक पॉलिसीज सोशल सिक्योरिटी प्लानिंग एंड एवरीथिंग वी नीड डेटा वी कैन नॉट ऑलवेज वेट फॉर द फाइव ईयर सेंसेज वी कैन नॉट ऑलवेज टेन ईयर सेंसेज दैट इज वाई वी नीड टू कीप नोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बाई यूजिंग सर्टन मैथमेटिकल स्किल्स So that the any state can make policies and planning according to that.